Jai Telangana. I am proud to be from Telangana. I am proud to be a Hyderabadi and I am proud to be here. मेरे को खुशी हुई आज से 100 साल बाद जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मैं ये बोलूंगा कि मैं फर्स्ट वर्ल्ड तेलंगाना कन्वेंशन में अमेरिका में था विच वॉज ऑर्गेनाइज बाय अमेरिकन तेलंगाना एसोसिएशन. बहरहाल बहुत खुशी हुई यहां पे आके. ऐसा नहीं होता है रो पूरी प्लानिंग करना पड़ता. यहां पे मैं आया लास्ट टाइम भी आया था. यहां पे सब सिस्टमैटिक होता. अब ये तेलंगाना के लोग हैं अपन. तेलंगाना कितना अच्छा साउंड करता देखो आप. ऐसा दिखता खलाखन गुलाब जामुन जिलेबी खाके बोल रहे तेलंगाना. इट्स सो स्वीट. इट साउंड सो स्वीट. वी आर स्वीट पीपल. बहरहाल यहां पे आया मैं बोला अरे क्या सिस्टम से जा रहे भाई गाड़ियां. अपने पास तो ऑटो वाले कटा बेंडा मार लेते. यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है. पूरा सिस्टम से चल रहा. दिसंबर में मैं हमारे दोस्त के साथ आया था. उसको बेचारे को नहीं मालूम पहली बार आया. बाथरूम में घुस गया. 5 मिनट हो गया 10 मिनट हो गया 15 मिनट हो गया. बोला कहीं को नहीं कर रहा इन्हें. हम लोग यहां जाके डोर मार के आवाज करे क्या हुआ रे भाई इतनी देर हो गई कहीं को नहीं निकला हुआ तो. मामा पाइप ही नहीं है कहते. पाइप ही नहीं है बोला. बहरहाल हम लोग थोड़े दिन वो होटल में रुके. 4-5 दिन के बाद हाउसकीपिंग वाली मेरे को पूछी एक्सक्यूज मी सर आई वांट टू आस्क यू समथिंग. बोला यस टेल मी. व्हाई देयर इज आइस बकेट इन द बाथरूम. मैं बोला एक्चुअली माई फ्रेंड हैज अ हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग विस्की इन द बाथरूम. बहरहाल सलीम फेकू और जहांगीर एक जॉब की इंटरव्यू को जाते. काफी सारे लोग रहते वहां पे. सलीम फेकू को बुलाया जाता इंटरव्यू के वास्ते. सलीम फेकू तो होशियार इस्माइल भाई के पट्टे अपन. अंदर जाते ही सवाल पूछा जाता आपके प्रधानमंत्री का नाम क्या है. सलीम फेकू बोलता नरेंद्र मोदी. तो वेरी गुड. आपका देश कब आजाद हुआ था. सलीम फेकू बोलता सालों से कोशिश चल रही थी 1947 में हुआ. मतलब वेरी गुड क्या बात. तीसरा सवाल आपका देश सुना है बहुत तरक्की कर रहा है. तो सलीम फेकू बोलता दुनिया का यही मानना है. वेरी गुड आपको जॉब मिल गया. सलीम फेकू बाहर आती जहांगीर बोलता क्या पूछे बाप क्या पूछे. बोलना मेरा भी इंटरव्यू है मेरा भी सिलेक्शन हो गया तो दोनों सेम कंपनी में काम करेंगे. सलीम फेकू बोलता कुछ भी नहीं पूछे रे भाई टेंशन कहीं को ले रहा तू. 3 सवाल पूछे. पहले सवाल का जवाब नरेंद्र मोदी. दूसरे सवाल का जवाब सालों से कोशिश करी थी 1947 में हुआ. तीसरे सवाल का जवाब दुनिया का यही मानना है. सही बोल रहा मामा. मैं बोला बिल्कुल सही बोल रहा. बहरहाल जहांगीर को बुलाते. जहांगीर का इंटरव्यू होता. अंदर जहांगीर जाते ही इंटरव्यू लेने वाला सवाल करता आपका नाम नरेंद्र मोदी. आप कब पैदा हुए थे. सालों से कोशिश चल रही थी 1947 में हुआ. लगता है आप पागल है वो तो दुनिया का यही मानना है बोलता. बहरहाल मेरे को फीवर है बुखार है पूरा पेन है. मगर मैं बोला नहीं मेरे को जाना ही है क्योंकि हम तेलंगाना वाले हैं. जहां पे सुई नहीं घुसता वहां सब्बल घुसा देते. व्हाट्सएप वगैरह का दौर आया तो एक आदमी चारमीनार से जाते रहता. जाते जाते एक भिखारी भीख मांगा तो उसको 100 रुपये निकाल के देता. बहरहाल वो आदमी चले जाता. नामपल्ली पे आता एक भिखारी भीख मांगा तो 10 रुपये देता. तो नामपल्ली का भिखारी बोलता सर चारमीनार पे 100 रुपये दिए आप
नामपल्ली पे 10 रुपए कैसा, तो गाड़ी वाला बोलता 13 कैसा मालूम रे भाई, वे तो वो स्पॉट पे मेरा भाई बैठता, सर आपके गाड़ी का नंबर मेरे को व्हाट्सअप कर दिया उन्होंने। थैंक यू वेरी मच, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं आपका, मेरे होट ड्राई हो रहे, थैंक यू वेरी मच, आई लव यू, आज जो भी हम है आप लोगों की वजह से है, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस।